पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासत शुरू हो गई। जी नमस्कार, मेरा नाम विवान तिवारी है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि अब थोड़ा ही वक्त पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में बचा हुआ है, मगर उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त से मुलाकात की है। मेरे हाथ में ये ज्ञापन पत्र है जिसे भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को सौंपा है। इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के निर्वाचन होने जा रहे हैं। इन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा बगैर किसी वैध कारण के मतदाता अपने मतदान से वंचित न रहें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आपको ज्ञापन प्रस्तुत कर ये मांगे करती है। अब मांगे क्या हैं वो सुनिए। अभी प्रकाशित मतदाता सूचियों के निरीक्षण का सभी मतदाताओं को अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। पुरानी प्रकाशित सूची में काटे गए नाम का आधार प्रकाशित किया जाए। शासन द्वारा सभी विस्थापित बस्तियों, जिसमें कि स्मार्ट सिटी, आवासीय योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के कारण के मतदाताओं को राज्य चुनाव आयोग द्वारा उनके मतदान केंद्रों की जानकारी देने की विशेष व्यवस्था विशेष रूप से सुनिश्चित की जाए। स्थानीय निकायों के मतदान केंद्रों की सूची अविलंब घोषित की जाए। पांचवा, मतदान केंद्रों की घोषणा के साथ BLO के नाम भी घोषित किए जाए। और अंतिम मांग इनकी ये है कि उपरोक्त दोनों प्रक्रिया के बाद ही मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर बूथ केंद्र पर प्रदर्शित किया जाए, तदुपरांत आपत्तियां बुलाकर अंतिम प्रकाशन हो। ये जो ज्ञापन है मैं आप लोगों को जो सुना रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को सौंपा है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इन आरोपों के बीच क्या कुछ खबर और अपडेट्स पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर आती हैं। भोपाल से विवान तिवारी, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश गिरी के साथ।